हाँ जी रिकॉर्डिंग चालू हो गई ना। NH3 सर सर SO2 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? सोचे सोच। Cl5 हो गया क्या? इतने करो 31, जैसे 10 हो जाए वैसे बताएं। 10 10 11 का सेट है, जैसे 10 हो जाए पहले बताएं, मैं 10 सॉल्व करूंगा, फिर आप 10 सॉल्व करेंगे, फिर आप 10 सॉल्व करेंगे, वैसा। सर आप इसका फोटो भेज सकते हैं? ब्लर है क्या? बहुत हाँ सर थोड़ा ब्लर हो रहा है। अभी क्लियर हुआ? नहीं सर आप एक फोटो भेज दो ना। सर इन सबके हाइब्रिडाइजेशन हमें लर्न करना है। याद करने के लिए करवा रहा हूँ कि निकालने के लिए करवा रहा हूँ? बता, यदि याद सर करने के लिए, निकालने बस ओके। यदि याद करने के लिए करवाते हैं ना, 310 होते हैं, 31 नहीं होते हैं। दस हो गए क्या? मैंने सेज 10 हो गए।
मन है रिद्धि प्रद्युमन चलिए मैं निकाल दू शुरुआत के दस पर मार्कर कहाँ गया यार इनमें से कोई भी गलत है डाउट है तो बताओ सर SOF2 सेंट्रल एटम क्या हुआ फर्स्ट वाले में 5 होना चाहिए ना क्यों बेटा कार्बन के वैलेंस साइड में 4 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम कार्बन ही होगा लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लीस्ट नंबर फिर 4 मोनोवेलेंट है डिवाइड बाय 2 तो 4 ही आएगा 4 मतलब sp3 यहाँ पे सल्फर होगा सेंट्रल एटम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो 6 प्लस मोनोवेलेंट 2 ही है 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि यहाँ पर भी 4 ये भी sp3 यहाँ पे सल्फर है सल्फर में 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 तो यहाँ 5 ये sp3d यहाँ पर 8 प्लस 5 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 8 5 13 14 14 बाय 2 7 sp3d3 और कोई डाउट है तो बताओ क्या H2O डाउट है क्यों भाई सर गलत आ रहा है पता नहीं सेंट्रल एटम कौन होगा इसके अंदर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में आजकल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 प्लस 2 हाइड्रोजन 2 मोनोवेलेंट है 4 sp3 कॉपी करिए इसके बाद वाले 10 करिए
हो गया है क्या? हाँ सर हो गया। सारे आंसर लिख दे रहा हूँ। sp3, sp3d, sp3d2, sp3, sp3d2, sp3d3, sp3d3, sp3, sp2, 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 sp3, 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 6 6 12, sp3d2, sp3d, sp3d2, sp3, डन। कोई डाउट है तो बताओ। सर if2 माइनस। हाँ सर। सर वो sp3d होना चाहिए। हाँ सर। तो और बोलो। HNO3 में क्या डाउट है? सर नहीं जम रहा है। भाई सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, मोनोवेलेंट एटम में 1 हाइड्रोजन, डिवाइड बाय 2 यानी कि 6 बाय 2, 3 sp2। समझ में आ गया सर। HClO2 भी बताना। HClO2 सेंट्रल एटम क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन में 7, मोनोवेलेंट 1, डिवाइड बाय 2, 4 sp3, सेम। सर क्लोरीन सेंट्रल एटम कैसे? क्या हुआ सर? ऑक्सीजन होगा ना सर? ऑक्सीजन होगा सेंट्रल एटम। क्यों सर क्लोरीन कैसे? वो तो मोनोवेलेंट है ना। क्यों? यदि सेंटर में हो तो मोनोवेलेंट क्यों है? क्लोरीन की वैलेंस तो 1 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकती है ना। केवल फ्लोरीन में इसकी बॉन्ड नहीं बनेगा ना। क्या बात कर रहा है ये? की अजीब से ये मनगणत बातें कहां से आई? आपको तो रूल लगाना था ना कि व्हाट इज मोनोवेलेंट एंड व्हाट इज नॉट। क्या ऐसा कोई फिक्स रूल थोड़ी ना होता है कि भाई सरकार ने लिख के दे दिया है कि 7 दिन का क्वारंटाइन के बाद उसको, या 8 दिन के उसके बाद उसको कोरोना पॉजिटिव नहीं मानेंगे। मेरा थोड़ा कोई नियम थोड़ी ना है। सर क्लोरीन का नहीं समझा एक बार समझा। अरे तो सर नहीं समझने की बात ये है कि तेरे मन में ये वो मान नहीं, आपने ये अज्यूम करके रखा हुआ है कि जो क्लोरीन है वो मोनोवेलेंट होगा, ये प्रॉब्लम है। आप उसको हटाओ अपने दिमाग से कि क्लोरीन मोनोवेलेंट हो सकता है, आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पहले आप सेंट्रल एटम तो सही चुनो,
इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा थोड़ा प्लीज बता। वो स्ट्रक्चर एक अलग राम कहानी है, पॉइंट वो है कि क्या वो सेंट्रल एटम है, वो सोचने की बात है, आपको वो सोचना है। आप उसको बस वो नहीं सोच रहे हो, अपने पिक्चर के अंदर फिट बैठे हुए हो कि नहीं ऐसे ही करूंगा मैं, तो कर लो भाई। खैर यहाँ पर जो वो क्लोरीन है वो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन भी सेंट्रल एटम हो सकता है, जो मल्टीपल अभी अपन आगे बात करेंगे कि ये मल्टीपल सेंटर बॉन्ड है, ये मल्टीपल सेंटर है, ये मल्टीपल सेंटर है, ये मल्टीपल सेंटर है, वो सब अपने आगे आता जाएगा। चलिए कोई और डाउट है तो बताओ, वरना मैं एक बार 28 वाला बताओ ना। 28 वाले में क्या डाउट है? सेंट्रल एटम कौन होगा, लीस्ट नंबर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पता कौन है सर? सेंट्रल एटम बता। पी, बिल्कुल। पी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यस मैम। हां सर। और उसके बाद दीदी 5 है तो अब बाकी सब फ्लोरीन भी मोनोवेलेंट होगा और क्लोरीन भी मोनोवेलेंट होगा, तो 5 मोनोवेलेंट एटम हो गए। हाँ सर समझा। देखिए ये बात मैंने आपको बहुत पहले ही बताई थी, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी नोशन लेके क्लास में मत आया करिए कि आपने आपको ऐसा लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता मेरे को भी है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूँ, पर उससे लगने से नहीं होता ना। एक्चुअलिटी यही है कि भाई आपको हर इंस्टेंट के ऊपर जजमेंट लेना है और आपको उसके रूल्स दिए गए। साइंस इज ऑल अबाउट रूल्स, ऑल साइंस इज नॉट अबाउट फीलिंग, व्हाट यू फील। क्लियर है सर? तो मतलब वैलेंसी उसकी बदलते रहती है क्या क्लोरीन की? बिल्कुल बदलती है, 1 से लेकर 7 तक। सर तो वैसे तो ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। आगे समझते हैं। चलिए आगे समझिए प्लीज, अगला मुद्दा। भाई हमारे पास और क्या चीज है? हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल लिया, अब एक और तरीका होता है हाइब्रिड निकालने का, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नहीं, बाद में सीखेंगे वो तरीका, पहले है ना कुछ मॉलिक्यूलर शेप समझते हैं, मतलब कुछ चीजें समझते हैं। देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर क्या क्या रह सकता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन हैव लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड होंगे ना वो सब, सॉरी जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ना वो केवल इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने भी बनेंगे उनका वो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड का सम होना चाहिए, वो इन दोनों का सम होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। जैसे मैंने आपसे लिखा कि मेरे पास है H2O, H2O का मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। अब यदि ये sp3 है इसका मतलब है, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ऑक्सीजन के लिए जितने भी लोन पेयर होंगे और उसके बॉन्ड पेयर होंगे उसका सम होगा 4। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे समझिए केवल आखिर में 2 ही एच है तो 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2। तो अपने आप एलपी प्लस बीपी का सम यानी कि 4 है, बीपी 2 दे रखा है तो एलपी अपने आप 2 आ गया। तो ये भी एक चीज होती है जो अपने को कई बार हाइब्रिडाइजेशन में देखनी होती है। आर वी क्लियर? अब इसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर शेप्स।
मॉलिक्यूलर शेप्स. एक आती है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री. ज्योमेट्री जो होती है वो होती है हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट. हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, एक आता है मॉलिक्यूलर शेप, और मॉलिक्यूलर शेप वॉज डिफाइंड बाय VSEPR थियरी. VSEPR का मतलब क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो रिपल्शन डिपेंडेंट होती है. यहां तक कॉपी करिए, इसके बाद देखते हैं प्लीज.
एक्सक्यूज मी सर. बोल भाई. बोल निखिल. सर आप एक क्लियर फोटो भेज सकते हैं क्या? अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है यार. नहीं सर, ये जो लिखा हुआ है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है. सर फोटो भेजा है. मतलब ये इतना गंदा आ रहा है क्या? सर आज लाइट कम लग रही है. लाइट कम लग रही है? हाँ ब्राइटनेस कम है शायद. हाँ सर ब्राइटनेस बहुत कम. ये कैसे पॉसिबल है भाई? सर रीडेबल है. मुझे क्लियर दिख रहा है. नहीं हमारे पास ऐसा विकल्प ही नहीं है इसके अंदर. इसके अंदर यदि मेरे पास विकल्प होता तो मैं सबसे पहले इसके फोकस चेंज करता यार. इसके डब्बे पे लिखा आया था ऑटो फोकस ऑल लाइट कंट्रोल्स. अरे रे यार अर्थ, तूने कुछ बिगाड़ा होएगा उसका. तूने कुछ बोला होएगा उसको, बुराई लग गया उसको. सर H2 में दो बॉन्ड रहते हैं, तो बॉन्ड पेयर तो एक ही हुआ ना. H2O में दो बॉन्ड रहते हैं, तो बॉन्ड पेयर तो एक ही हुआ ना. नहीं मेरे लाल, एक बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है. यार कहाँ गई टीम्स, हद हो गई. सर बोल भाई. सर वो बॉन्ड पेयर मतलब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड. यदि कॉपी हो गया तो आगे बढ़ दें. हाँ सर. इधर समझिए, अब पढ़ते हैं VSEPR थ्योरी. एक्चुअली उसको पूरा बोर्ड लगता है समझाने के लिए, इसीलिए आधे में नहीं समझाया. आधे में दो लाइनें लिख देता और फिर मेरे को आधा रोकना पड़ता, इसीलिए कोई सेंस नहीं बनता और फिर कोई रेलेवेंस भी नहीं बनती. अब बनेगी समझ. VSEPR थ्योरी पहला पॉइंट, द ऑर्बिटल्स. कौन से ऑर्बिटल्स? द इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइज टू स्टे एट मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल. मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन. पहला पॉइंट. दूसरा, लोन पेयर रिपल्शंस are more than bond pair bond pair repulsions. ठीक है. तीसरा, triple bond repulsions are more than double bond repulsions.
are more than single bond repulsions. तीसरा, चौथा, more electronegative atom on terminal decreases bond angle. Less electronegative atom on terminal increases bond angle. More electronegative atom at center increases bond angle. BA मतलब bond angle. Less electronegative atom at center decreases bond angle. More electronegative atom tends to stay in longer orbital. Less electronegative atom tends to stay in smaller orbital. और दसवा, लोन पेयर. दसवा यहां पे दिखेगा नहीं. लोन पेयर tends to stay in the smallest orbitals. ये पॉइंट देखिए, इनमें से ना कुछ पॉइंट्स VACPR के, मतलब यदि मैं VACPR के पॉइंट बात करूं तो केवल ये तीन है. ये सब अप्लाइड पॉइंट्स होते हैं. जो अप्लाइड पॉइंट्स काफी सारी चीजों से अप्लाई होते हैं, पर क्योंकि ये सब शेप फॉर्मेशन के लिए हैं, हम लोग इसको यहीं पढ़ लेते हैं. और धीरे धीरे करके जब वो टॉपिक आता जाएगा तो अपन उस वक्त भी डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहला अपन पढ़ते हैं VACPR में मॉलिक्यूल्स. भाई हमने क्या पढ़ा, एक sp3 सिस्टम उठाते हैं. sp3 सिस्टम, इस sp3 सिस्टम में हमारे पास चार मॉलिक्यूल हैं. एक है, मतलब ये समझने के लिए, कंटेक्स्ट समझने के लिए, एक है ऐसा, एक है एक लोन पेयर और एक है दो लोन पेयर सिस्टम. भाई ये वाला परफेक्ट sp3 है, कोई लोन पेयर नहीं, कोई नहीं, सब बॉन्ड्स हैं, आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं. मतलब आइडेंटिकल बॉन्ड्स मतलब इक्वल रिपल्शन. आइडेंटिकल बॉन्ड्स मतलब इक्वल रिपल्शन. इसीलिए इनका बॉन्ड एंगल 109 degree 28 minutes होगा. कोई टेंशन नहीं. अमोनिया देखिए, अमोनिया में एक लोन पेयर है. अब आपको क्या मालूम है, ये एच, ये तीनों बॉन्ड पेयर है. तो जो रिपल्शन लोन पेयर और CH बॉन्ड का होगा इज मोर देन CH बॉन्ड. समझ में आया? मतलब ये जो बॉन्ड है ना, इन दोनों बॉन्ड्स का जो रिपल्शन है और इस लोन पेयर और बॉन्ड्स का जो रिपल्शन है, ये वाला रिपल्शन ज्यादा है, ये वाला रिपल्शन कम है. तो ये क्या काम करेगा, ये इन बॉन्ड्स को ऐसे हल्का सा अंदर की तरफ शिफ्ट करवा देगा. देयरफॉर बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज. तो जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 107 degree. ये वाला बॉन्ड एंगल 107 degree का होता है. अब तीसरा H2O. H2O ऐसा है, यहां पे दो लोन पेयर है, टू लोन पेयर विल रिपेल मोर. देयरफॉर बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज मोर. और यहां पे जो बॉन्ड एंगल है वो है 104 degree का.
समझ में आया? तो बेसिकली ये वाला पॉइंट समझने की कोशिश की। आर वी क्लियर ऑन दिस? बेटा जी क्या ये क्लियर है आप सबको? हाँ सर। तो फिर यहाँ पे कॉपी कर। हाँ बोल बेटा। सर ये तीन पहले वाले पॉइंट छोड़ के बाकी सब बाहर से लिया है क्या मतलब? बिल्कुल सर। वो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? द इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बाद ट्राइज टू स्टे। अर्थ तेरा नेट कौन सा है बेटा? सर जियो। बिल्कुल, तेरे से इसलिए पूछा कि कोई पूछेगा ना कि बुरा नेट कौन सा है, तो जियो का नाम लेना है इसलिए पूछा। नहीं नहीं ऐसा, मैंने ना चार पांच नेट को वो कर रखा है, बैन कर रखा है, कोई पूछता है तो मना कर देता हूँ उसको। अरे वाईफाई की पूछ रहा था अर्थ। BSNL है ठीक है, फिर यार BSNL के ऊपर नो कमेंट्स, सॉरी। BSNL इज BSNL, मतलब वो तेरे को नेट प्रोवाइड कर पा रहा है इतना ही काफी है, स्पीड स्पीड की बात ही नहीं हो रही है। हाँ आर्यन अपडेट है ना यार? हाँ बिल्कुल निखिल, मुझे बिल्कुल भरोसा मालूम है कि एयरटेल एक्सट्रीम की वाईफाई स्पीड 10 Mbps है। बिल्कुल मैंने यूज कर रहा हूँ, मैंने अपना नेटवर्क अभी थोड़े दिनों पहले ही बदला है। हाँ बिल्कुल सेवा बेस्ट है। जियो फाइबर भी ठीक है, मतलब हमारे ऑफिस में जियो, अपने रियस में जियो फाइबर है, वहां से भी ठीक आता है। बोल भाई। एक बार वो NH3 के नीचे जो लोन पे CH bond is more than CH bond पे से क्या बोल रहा है भाई? NH3 का एग्जांपल पे से एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? देवेश केवल है ना, ऐसे मैं तेरे को बता रहा हूँ तेरे आदि कैसे सर खत्म धीरे धीरे बोल, स्पेसिंग रख रख के। सर NH3 का एग्जांपल पे से एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। समझ, पहले क्या था ना, यहाँ पर भी बॉन्ड था,
ये चारों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अब यहां पर आपने क्या कर दिया, एक लोन पेयर लगा दिया। तो लोन पेयर क्या करेगा ना, ये जो रिपल्शन है वो बढ़ा देगा, तो ये सारे बॉन्ड्स अंदर की तरफ श्रिंक कर जाएंगे, मतलब ऐसे हो जाएंगे। जैसे ये अंदर की तरफ जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। और एंगल्स लर्न करने हैं? हाँ बिल्कुल, ये वाले एंगल्स याद करने, बाकी दो चार पाँच छः और बोलूंगा वो याद रखने, बाकी कुछ याद नहीं करना। थैंक यू सर। इसी को वेस्पर थेरेपी भी कहते हैं क्या? हाँ बेटा, VACPR का मतलब वेस्पर, वो लोग उसको प्यार से वैसा ही बोल देते हैं, पर हाँ। वो VACPR ही बोला जाएगा। हाँ सर। अर्थ को एक सिंपथाइजर मिल गया है, शुभम। भाई BSNL का फुल फॉर्म होता है भाई सरदर्द ना लो, पर अभी ले रखा है तो यू कैन हैव फन। कोई दिक्कत नहीं। कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। आगे बढ़ो मिटा के। सर एक दो मिनट रुक गया सर। रुको सर। एक दो क्या, चार मिनट रुक जाता हूँ यार, मेरा क्या जाएगा। ओहो हो, किसी ने टीम्स को कुछ बोला। अरे टीम्स की गलती है, टीम्स छोड़ के सब कड़क चलता है। अरे यार बिल्कुल सही बात है अर्थ, मैं जानता हूँ यार टीम्स की बहुत ज्यादा गलती है। टीम्स को छोड़ के तू देखता क्या है ये बता पहले, तेरी दोनों क्लास टीम्स पर होती है तो तू देखता क्या है, तेरे क्लास के अलावा तेरे को नेट यूज करना ही नहीं चाहिए। यूट्यूब? अबे यूट्यूब पे क्या देखता है, तेरे को पढ़ा दिया क्लास में, तूने लाइव क्लास कर ली, नोट्स बना लिए, फिर यूट्यूब पे क्या देखता है, गाने या कार्टून? गाने। चलो कॉपी हो गया तो बताओ सर, वो अमोनिया के स्ट्रक्चर के नीचे क्या लिखा है? लोन पेयर CH। लोन पेयर CH बॉन्ड इज, अरे यार ये क्या ना, मैंने समझाते समझाते रिपल्शन ऑफ लोन पेयर CH बॉन्ड इज मोर देन CH बॉन्ड। एक्यूरेसी बताएं प्लीज।
कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। चलिए पढ़ें फिर। अब है ना एक बात बताइए, आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं क्या? तो क्या इलेक्ट्रॉन शेप का पार्ट हो सकते हैं? नहीं सर। तो क्या लोन पेयर शेप का पार्ट हो सकते हैं? नहीं सर। बिल्कुल सही बात कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये सब शेप का पार्ट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपको दिखते ही नहीं है। आप मॉलिक्यूलर शेप हमेशा वो बोलते हो जो आपको दिखता है, ठीक है? और आपको क्या दिख रहा होता है? हमेशा न्यूक्लियस। क्या दिखता है? न्यूक्लियस। अब जैसे अमोनिया है, चलो आगे पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर शेप्स और एसपी सिस्टम पढ़ते हैं। अब एसपी में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये बताओ? दो। तो दो मतलब एसपी के अंदर ऐसा होगा कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, मतलब दो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के दो होने चाहिए, राइट? हाँ सर। हाँ सर। बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए सर, LPCS बॉन्ड मतलब क्या है? वो NH होना चाहिए। क्या LP बॉन्ड? लोन पेयर। अरे लोन पेयर भाई, ये लोन पेयर और CH बॉन्ड का रिपल्शन इज मोर। सबसे पहले है ना सी एच, एक एस पी हाइब्रिड पढ़ते हैं, फिर अपन आज की क्लास स्थगित कर देंगे और कल ये पूरा वी ए सी पी आर समटा देंगे, फिर अपन बॉन्ड पैरामीटर्स पे चले जाएंगे। समझिए भाई, हमने कहा हमारे पास एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, एस पी हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास। एस पी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मतलब दो बॉन्ड पेयर प्लस दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल से मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम दो के बराबर होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल, पहला केस, दो बॉन्ड पेयर बी ई एच टू बी ई सी एल टू एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इनका शेप बी ई एच 180 डिग्री का बॉन्ड। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। मेरा आवाज नहीं आ रहा, हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं है, जो आ रहा है उसी को तो सुन लेते हैं। सर इधर देखो, तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा? ये बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का, लीनियर, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर। अब एक लोन पेयर का मतलब ये, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? CO। CO में एक लोन पेयर है, सी लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड हो, ये ऐसा। अब जब भी कभी दो मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो तो हमेशा एक लीनियर अरेंजमेंट ही बनेगा, क्योंकि दो का अरेंजमेंट तो आप कैसे भी लगा लो हमेशा लीनियर ही बनता है, तो ये भी ऐसा हो। और इसके अंदर कोई बॉन्ड एंगल नहीं है, नो बॉन्ड एंगल, क्योंकि दो ही बॉन्ड है। समझो भाई, आपने कहा दो बॉन्ड, एक 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 एटम ही है, एक एटम ही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसा? कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। बॉन्ड एंगल होने के लिए आपको कम से कम दो बॉन्ड चाहिए, सिंगल बॉन्ड में कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, सरकार ने बना थोड़ी ना किया है। दो मतलब दो कोवलेंट बॉन्ड,
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा, भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऑक्सीजन मैक्सिमम चार बॉन्ड बनाता है, वक्ता ने पढ़ोगे कॉपी कर लो, इसके बाद का पढ़ेंगे कल सर।